दिवंगत शहाबुद्दीन की पत्नी हीना साहब निर्दलीय प्रत्याशी बनकर शिवांश उभरी है। आपको हम बता दें कि वही हीना साहब है जो पहले आरजेडी से चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन इस बार उन्हें कहीं ना कहीं महागठबंधन ने दरकिनार कर दिया है। इसे लेकर सिवान की जनता का मांग था कि हीना साहब को निर्दलीय प्रत्याशी बनकर उभरना चाहिए, और हीना साहब निर्दलीय प्रत्याशी बनकर उभरी हुई हैं। आपको हम बता दें कि सिवान में लगातार जो उनको समर्थन मिल रहा है, जिसे लेकर अनुमान लगाया जा रहा है कि भारी मतों से हीना साहब जीत रही हैं। आपको हम बता दें कि शहाबुद्दीन के नाम पर हीना साहब को काफ़ी ज़्यादा प्यार दुलार मिल रहा है सिवान की जनता से, जिसे लेकर जो विपक्षी दल है वो कहीं ना कहीं चिंतित है। आपको हम बता दें क्योंकि महागठबंधन ने जिस तरह से उनका साथ छोड़ दिया है, आपको हम बता दें कि शुरू से ही शहाबुद्दीन साहब महागठबंधन के साथ रहे हैं, लालू यादव के साथ रहे हैं, लेकिन उनके देहांत होने के बाद से जिस प्रकार आरजेडी ने उनका साथ छोड़ा है, कहीं ना कहीं यह चर्चा का विषय है। सिवान की जनता काफ़ी ज़्यादा नाराज है आरजेडी से, और आपको हम बता दें इसीलिए जनता का जो प्यार दुलार है वो हीना साहब को मिल रहा है। आपको हम बता दें कि आपको क्या लगता है कि हीना साहब को सिवान की जनता क्या जीत का माला पहनाएगी, क्योंकि आपको हम बता दें कि वो निर्दलीय प्रत्याशी है, न ही किसी पार्टी में मिलकर वो चुनाव लड़ रही हैं, वो अकेला सिवान की जनता के दम पर चुनाव लड़ रही हैं, और सिवान की जो जनता है उन्हें लगातार प्यार दुलार दे रही है। आपको हम बता दें कि हीना साहब का एक अपना छवि है, शहाबुद्दीन साहब के नाम पर उनको काफ़ी ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। शहाबुद्दीन साहब ने जो कार्यों को किया है अपने शासनकाल में, उसले लेकर के हीना साहब जनता के बीच में जा रही है, और जनता का अपार समर्थन जो है हीना साहब को मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि एक तरफ महागठबंधन है, दूसरी तरफ NDA है, BJP है, लेकिन जिस तरह से निर्दलीय प्रत्याशी बनकर उभरी हैं, क्या लगता है हीना साहब जो है सिवान के जनता के भरोसे पर कायम उतरेंगी? क्या लगता है कि सिवान की जनता उन्हें चुनकर अपना प्रत्याशी बनाएगी? आपको हम बता दें कि लगातार लोगों का रुझान आ रहा है कि हीना साहब जीत रही हैं, और हीना साहब के समर्थन में काफ़ी संख्या में लोग जो है सड़कों पर उतर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि जो चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव के दरमियान हीना साहब का जो रिजल्ट है वो किसके फेवर में आता है। क्या हीना साहब शहाबुद्दीन की तरह ही सिवान की जनता पर राज करेंगी, सिवान की जनता के हक की आवाज़ उठाएंगी, और जीतने के बाद क्या वो शहाबुद्दीन साहब की तरह लोकप्रियता हासिल कर पाएंगी? दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करें।